हेलो फ्रेंड्स, जागृतिस वेज फूड में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बेसन वाले करेले की सब्जी, जो स्वाद में बहुत ही अच्छी है और बहुत ही पसंद आएगी सबको, और कड़वापन इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमने करेले में से बीज निकाल लिए हैं मोटे वाले, और करेले में नमक डाल के उसको 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। फिर इसको दबाकर उसमें से नमक वाला पानी है जो निकाल लेंगे। तो अभी हमने कढ़ाई पे बेसन का आटा 2 बड़े चम्मच जितना लिया है, उसको थोड़ा सा लो फ्लेम पर सेकेंगे। उसकी खुशबू आने तक उसको सेकना है। तो देखो, ये हमारा आटा सेक चुका है, और अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये ज़्यादा गर्म और सिक ना जाए और नीचे तले पे लग ना जाए। तो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में पानी बॉईल करने रख दिया है। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अभी हम उसमें नमक वाले जो हमारे नमक में डिप करके जो हमने करेले रखे थे उसको हम बॉईल करने रख देंगे। अच्छी तरह से इसमें उबाल आने तक हम रखेंगे, फिर हम इसको डिश ढक कर अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और अभी इसके ऊपर हम डिश ढक कर 5 से 10 मिनट तक उसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। हल्दी पाउडर लिया है हमने, हींग, शक्कर, बॉईल किए हुए करेले और धनिया पत्ते, राई, जीरा, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और 1 बड़ा टमाटर और सेका हुआ बेसन का आटा और नमक और तेल और पानी हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और अभी हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल डालेंगे, और उसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच जितनी हम हींग डालेंगे। अभी हमने बारीक चॉप करके लिए हैं टमाटर, वो डाल देंगे। 1 बड़ा टमाटर लिया है हमने, इसको बराबर मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 मिर्ची पाउडर आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर और 1 बड़ी चम्मच जितनी शक्कर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और बराबर मिक्स कर लेंगे।
अभी हम इसमें बॉईल किए हुए करेले डालेंगे और इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे, बस थोड़ा सा, थोड़ा उबल कर मसाले थोड़े सब मिक्स हो जाए सब्जी के साथ। तो जब तक ये हमारा करेले की सब्जी उबल रही है तब तक हम इसमें मसाले करेंगे। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर एक एक चम्मच सब डाला है हमने। नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा एक चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। और थोड़े से धनिया पत्ते और बराबर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे, मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है, आप चाहे तो इसमें लहसुन की चटनी भी मिला सकते हैं। तो सब्जी का हमारी उबल चुकी है, इसमें हम बेसन का आटा अच्छी तरह से छिड़क देंगे। अच्छी तरह से हाथों से छिड़क के डालना है ताकि इसमें गट्ठे ना रह जाए, और बराबर से मिक्स कर लेंगे। तो अभी 2 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर हिलाते हुए पकाएंगे ताकि बेसन का आटा हमारा अच्छी तरह से पक जाए, फिर हम इसको सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बनाइए आप करेले की बेसन वाली सब्जी और अपने अनुभव हमें जागृति इस वेज फूड पे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।